हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है किसी हिंदी पे। आज हम इस वीडियो के जरिए जो डिस्कस करने वाले दिल्ली पुलिस 2019 की भर्ती के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले, और बहुत ही अच्छी अपडेट आई है आपके सामने कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। जल्दी देखो इस वीडियो को, क्योंकि ऑफिशियली अपडेट है। मैंने जैसा कि आपको सबको बोला था, एक बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ, और जो कहा था वही हुआ बिल्कुल। यहाँ जो मैंने बताया था वैसा का वैसा हो रहा है अभी तक। और बता दूँ कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती दिल्ली पुलिस की, तो सारे अपडेट आपको एकदम सटीक जानकारी इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ किसी हिंदी को सब्सक्राइब जो कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और बता दें कि वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको ये बता दूँ, अगर आप मुझसे कोई भी सवाल जब मुझसे करना है तो कमेंट के जरिए मुझसे कर सकते हो, उसका 5 से 10 मिनट में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो आपको रिप्लाई करता होगा इस चैनल के ऊपर एकदम सटीक जानकारी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे अपडेट दी जाती है। तो बने वर्चिंग के साथ फटाफट वीडियो खत्म करते हैं, ले चलता हूँ अपडेट की ओर। सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे बड़ी जो यहाँ पे बदलाव हुआ है वो क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे जैसे बदलाव हुआ है आपको नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब बताया था कि इलेवंथ जो अपीयरिंग चल रही है उनका भी कुछ वैकेंसीज आएगी, लेकिन उसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे आपको 12th पास होना कंपलसरी है। अगर आपने 12th पास करके तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होता है, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, मतलब 18 ईयर्स प्लस होना आपका जरूरी है। तो यहाँ पे आपका जो लर्निंग लाइसेंस आपका चलेगा नहीं, आपको ये बता दूँ 18 से 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और एज इलेक्शन का वो मामला आपने देख लिया होगा। ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब तो बाकी क्लियर हो जाएगा, और सारे अपडेट एकदम सही जानकारी के साथ आपको मिलते रहेंगे। और आपको पता भी होगा 1 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, भरना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको एकदम सही जानकारी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और साथ में आपको बता दूं कि यहां पर जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है वहां पर यही है कि जल्दी यहां पर जो वैकेंसी आई है उनकी फटाफट तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यहां पर दिसंबर या नवंबर में भी आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जा सकती है। लेकिन अभी नवंबर तक तो होगा नहीं है। जब मैंने पहले बोला था कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, 15 अक्टूबर के बीच में फॉर्म फिलअप किया जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए जाके, एकदम सटीक जानकारी के साथ मैंने आपको ये वीडियो बताया था। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो दिसंबर बाद में हो जाना है, ठीक है, या दिसंबर या जनवरी के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको मैंने क्या बताया था। और साथ में बता दूं कि ये खुशखबरी क्या बता रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी वैकेंसीज आई है तो उनके लिए आपके लिए होगा कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन होने वाला है। अब की बार जो कट ऑफ जाने वाली है वो 80 टू 85 प्लस कट ऑफ जाएगी। मैं 100% के साथ बोल रहा हूँ कि 80 प्लस श्योरली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम पहले कनेक्ट करवाया जा रहा है और बाद में आपके फिजिकल करवाए जा रहे हैं। फिजिकल काफ़ी ज़्यादा टफ है, आपको सही इस चीज़ का पता होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए, और आपका एग्जाम होना दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रिपरेशन करते रहिए लगातार, और हमारे को हमारे चैनल को हमारे किसी हिंदी को सब्सक्राइब जो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे अपडेट एकदम सटीक जानकारी के साथ आपको मिलते रहेंगे, और एकदम सटीक जानकारी के साथ विद 100% एक्यूरेसी के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, सारे अपडेट एकदम सटीक जानकारी मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जो भी क्वेश्चन मुझसे करना है कमेंट के जरिए कर लीजिए, उसका मिलता रहेगा आपको जवाब। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।